जहानाबाद जेल ब्रेक की तरह पटना के बेउर जेल को भी ब्रेक करने की थी तैयारी। प्रशासन ने किया खुलासा, बाहुबली नेता अनंत सिंह बंद हैं, मेरे पति को मारने की साजिश रची जा रही है। जहानाबाद जेल ब्रेक की तरह पटना के बेउर जेल को भी ब्रेक करने की थी तैयारी। प्रशासन ने किया खुलासा, 16 जुलाई के दिन पटना के बेउर जेल में मारपीट हुई थी। उसी बेउर जेल में मारपीट हुई थी जिसमें बाहुबली नेता अनंत सिंह बंद हैं। उसके बाद से उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से जो विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे पति को मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। मगर अब जो खबरें आ रही हैं कुछ और ही हैं। प्रशासन द्वारा यह कहा गया है कि 16 जुलाई के दिन बेउर जेल को ब्रेक करने की साजिश रची गई थी। इस साजिश में 31 लोग शामिल थे। उन 31 लोगों पर FIR प्रशासन द्वारा कर दिया गया है। बेउर जेल को ब्रेक करने की साजिश के पीछे जिस व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका नाम अनंत सिंह है। प्रशासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह द्वारा बेउर जेल ब्रेक करके कुछ कुख्यात अपराधियों को भगाने की तैयारी थी। इसके लिए उस समय बेउर जेल में तैनात कक्षपाल से बैरक की चाबी भी छीन ली गई थी। घटना के 2 दिन बाद यानी 18 जुलाई को बेउर थाने में 2 पेज के दिए गए आवेदन में जेल प्रशासन ने यह खुलासा किया है। आवेदन में लिखा गया है कि अनंत सिंह द्वारा दबाव बनाने और कैदियों को भगाने की मंशा को लेकर उनके समर्थकों द्वारा हमला किया गया और जेल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई। 16 जुलाई के दिन कक्षपालों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें जेल में तैनात पदाधिकारियों के अलावा कक्षपाल सहित 11 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज कारा अस्पताल में अभी भी चल रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि 16 जुलाई के दिन बेउर जेल में क्या हुआ था। 16 जुलाई के दिन सुबह जेल खुलते ही आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थकों द्वारा डिवीजन खंड में तैनात कक्षपाल अनिरुद्ध कुमार के साथ पहले मारपीट की गई। उसके बाद जब बीच बचाव करने सहायक अधीक्षक भूपेश कुमार पहुंचे तो उनको भी जमकर पीटा गया। फिर वहां से निकलकर जेल के सिग्नल सेल में उपस्थित कक्षपाल संजीव कुमार और गौतम कुमार के साथ भी जमकर मारपीट की गई। उसके बाद उन लोगों से सेल की चाबी भी छीन ली गई और वहां पर बंद कैदियों को बाहर निकाल दिया गया। यह जेल प्रशासन का कहना है। अनंत सिंह के समर्थक यही नहीं रुके, बेउर जेल के अंदर जमकर उत्पात मचाया और वहां पर लगे CCTV कैमरे को भी उन लोगों द्वारा तोड़ दिया गया। जब वहां पर अधिकारी समझाने पहुंचे तो उन लोगों पर भी हमला किया गया। इस घटना में जेल के उपाधीक्षक राजेश कुमार सिंह, सहायक अधीक्षक कौशल किशोर प्रसाद, सहायक उपाधीक्षक भूपेश कुमार, सहायक अधीक्षक नीरज कुमार रजक और कक्षपाल अनिल कुमार बैठा, भरत कुमार, रोशन कुमार, गौतम कुमार, संतोष कुमार, संजीव कुमार और संजीव कुमार शाह घायल हो गए। जैसे ही इस घटना की सूचना ऊपर अधिकारियों को मिली, उसके बाद जेल के पदाधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचकर स्थिति को संभाला। इस घटना में शामिल 31 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। राजद के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, दिवाकर यादव, कन्हैया सिंह, सौरव कुमार गुप्ता, शिवम कुमार शर्मा, बलदेव सिंह, साहिल राज, बबलू कुमार, अतुल राज, पंकज यादव, नवल राय, नीतीश यादव, गिरधारी यादव, रितेश कुमार, नीरज कुमार, संजीव कुमार, रॉकी कुमार, करण कुमार, राजू कुमार, सनी कुमार, पिंटू यादव, साजन कुमार, मोहम्मद अफ्ताब आलम, फिरोज, गौतम कुमार उर्फ चिकू दया सहित 31 नाम शामिल हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में मोकामा से RJD के विधायक बने थे अनंत सिंह। उसके बाद एक केस में 10 सालों की सजा हुई, जिसमें उनकी विधायकी चली गई और मोकामा सीट पर उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी RJD के सिंबल पर चुनाव लड़ी और जीतकर विधायक बन विधानसभा पहुंची। बेउर जेल में जो घटना घटी उसको लेकर अनंत सिंह की पत्नी ने ये आरोप लगाई थी कि मेरे पति के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि बेउर जेल ब्रेक करने की थी तैयारी अनंत सिंह द्वारा।